मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक ब्रेन 33M। तो चलिए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं, टॉप थ्री स्मार्टफोन। और उससे पहले बता दूं, जो वीवो का X70 सीरीज जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके कुछ स्पेसशिप वगैरह लीक हो चुके हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो X70 वीवो का है, उसके तीन सीरीज लॉन्च होने वाले हैं, X70, X70 प्रो और X70 प्रो प्लस। जो इसका X70 वर्जन है, ये सबसे लोएस्ट होने वाला है इस सीरीज का एज अ प्राइस में भी। और वहीं इसमें तीन बैक कैमरा मिलने वाले हैं। इसके बाद जो आपका X70 प्रो है, इसमें आपको चार बैक कैमरा प्लस X70 प्रो प्लस में भी आपको चार बैक कैमरा मिलने वाले हैं। ये लॉन्च कब होगा, इसकी कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, बाकी इसके कुछ स्पेसशिप वगैरह लीक हो चुके हैं। वहीं अगले फ़ोन की बात करते हैं, जो शायद मार्केट में आते ही धमाका मचा दे। जी हाँ, अगला फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी प्री बुकिंग चालू हो जाएगी सितंबर 7 से 10 के बीच, वो है जियो, जिसे भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन कहा जा रहा है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं कितना सस्ता भारत का स्मार्टफोन है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट इसकी प्री बुकिंग जल्द ही चालू हो जाएगी भारत में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की फ़ोन की, जो कि है सैमसंग, जो कि यूके में ऑलरेडी सेल हो रही है, जिस मॉडल का नाम है A52। ये यूके में ऑलरेडी सेल हो रही है, बट ये इंडिया में 1 सितंबर से 12 बजे के बाद सेल होना चालू हो जाएगी। और इस फ़ोन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये आपको 6GB 128 के साथ जो वेरिएंट यूके में मिल रहा है वो, प्लस 6 के अलावा जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो है 8 128, दोनों सेम इंडिया में सेम 6 और 8 प्लस 128 के साथ लॉन्च होने वाले हैं 1 सितंबर 12 बजे के बाद। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।